मैं तो कब से आया हूँ बुड्ढन, तू कहाँ पे थी? तू अब शायद तुम नहीं जानते, कार से आने वाले अक्सर लेट हो जाते हैं। तेरे को कोई कार के नीचे ना दे, तेरे को कार में लिफ्ट कौन देगा? कार से आने वाले एक दिन ऐसे खड़ी सड़क पे लिफ्ट मार दी, ऐसे कार वाला इसको 10 रुपए देके चला गया। जब मुंह भीख मांगने वाला तो लिफ्ट नहीं मांगते हैं। ओहो, वो कार नहीं, बच्चों वाली कार की बात कर रही हूँ। ऐसी होती ना पीप पीप टूप टूप, हवा में उड़ते हुए आई हूँ मैं हवा में। एक तो मेरी दादी ने इतनी बुकड़ ना बच्चों खिलौने छीन लेती है। परसों भी एक बच्चे को बोलती ला तेरा टिफिन खोल, जादू करके कबूतर निकालूंगी। उसने टिफिन खोला, उसका पराठा लेके भागी। तुझे शादी करवाने के लिए बुलवाया है और तू है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है? तू मेरी शादी करेगी? हाँ, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया, तू मेरी शादी करेगी? ऐसे कैसे? ए बड़े आदमी की जब शादी करेगी तो पूछ के करते हैं, तेरे को पता नहीं है? पिछले जन्म में मैं लेडी गागा था, ऐसे मत समझ मेरे को। क्या? हाँ, पिछले जन्म में गागा था? हाँ, गागा तो इस जन्म में। तो फिर लेडी डायना है, कुछ तो था, लेडी था। अरे चिट्टू, तू बात बात को तू मुड़ा मत, मजाक है। मैं सच्ची कह रही हूँ, 20 साल पहले तेरा लव मैरिज तय हुआ था। 20 साल पहले कैसे लव मैरिज? मेरी लड़की को देखा भी नहीं, लव मैरिज क्या कहता है हो गया? अरे वो दरअसल क्या है ना, तेरे दद्दा और लड़की की दद्दी, उन दोनों के बीच में गुटर 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 चल रहा था। उसी गर्मा गर्मी में तेरी शादी तय हो गई, तो हो गई ना लव मैरिज? बिल्कुल नहीं दादी, नहीं मैं नहीं शादी कर सकता, अभी मेरी उम्र क्या है, 20 साल निकाल दो, 5 का हूँ। अच्छा, चंपकलाल की गाय के साथ तू पैदा हुआ था, उसके 5-5 बछड़े हो गए और तू कह रहा है कि तू शादी नहीं करेगा? चंपकलाल की गाय तो दूध भी देती है, तू क्या चाहती है अभी? बढ़िया है, मेरे को आज तक खसरे का टीका लगवाया नहीं और मेरे फेरे करवाने चली है। मेरे को तो दाल में कुछ ब्राउन ब्राउन लग रहा है। देवा जी, देवा जी। काय को खुशी का दिन है, कौवा फिर छत पे रोटी फेंक गया तेरे लिए। आपकी शादी जो हो रही है इसलिए खुशी का दिन है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये शादी वादी कोई नहीं कर रहा हूँ मैं, शादी करके मेरा बेड़ा गर्क करना चाहते तुम लोग, सब पता मेरे को, मतलब भी और तो। अपने बिट्टू का हाल ही देखा, क्या हालत बना के रखी तुम लोगों ने उसकी। देवा जी, बिट्टू अपनी शादी में बहुत खुश है। खुश था शादी के जब 4 घंटे थे, वो इसी में खुश था, वापिस आते पता क्या हालत थी। इनके पिताजी महाराज, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, शादी वाले थे ना, डोली वाली कार अरेंज ही नहीं की, बोलता कार में जाओगे तो 5 मिनट पहुंच जाओगे, पैदल जाओ रास्ते में जान पहचान हो जाएगी। अरे सिट्टू, मैं तो कहती हूँ बिट्टू के ससुर की बात ही मत कर। अरे शादी में तो स्कूटर भी नहीं दिया, मोटरसाइकिल भी नहीं दिया। मोटरसाइकिल देने के लिए तैयार थे, आप लोग ने मना किया था। ए, आप लोगों ने मना क्या किया था? हम मना ना करते तो क्या करते? इसका बाप पता क्या बोल रहा है? बोला ना मोटरसाइकिल तो मैं सब कुछ बेच बाज के ले दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली आपके घर में आके रहेगी, ये तो करतूत करते। अरे ये लोग क्या मोटरसाइकिल देंगे आपको? पता है इनका खानदानी साइकिल का बंटवारा हुआ, मार काट हो गई वहां पे। इसका चाचा उसकी काठी उठ खाड़ के ले गया, इसका बाप साइकिल घंटी कंधे पे लगा के घूम रहा है। एक भाई आगे वाला टायर ले गया, एक भाई पीछे वाला टायर ले गया, और माँ इसकी चेन डाल के अपने आप को राजपूतों की बहू समझ रही है। देवा जी, आप हमारी बात छोड़िए, और देखिए आपके आपकी जिस घर में शादी हो रही है वो लोग बहुत अमीर है। हाउ डू यू कनो इंग्लिश आती नहीं। हाउ डू यू नो? हाँ जो भी है। हाँ वही वही, ज्यादा अंग्रेजी छाड़ने की जरूरत नहीं है। चार चुप रहिए, मेरे पापा ने कहा इसलिए मुझे पता है। पता होता है, पता होता है, एरिए के भिखारी को सेठ लोगों के बारे में पता होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो आपको भी पता है ना उनके बारे में। देखा बटन, देख लिया तुमने, आजकल की बहुएं इस तरीके से जवान लड़ा दी सास के साथ, और तू मेरे को बोल रही शादी कर ले। रहने दे सिट्टू, ही मत कर। अगर एकाध ईशान शर्मा निकल आए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडियन टीम खराब है। उस लड़की को लपट के लिए बड़ी समझदार लड़की है, तेरी किस्मत चमका देगी। क्या चमका देगी? लड़की है कि डिटर्जेंट पाउडर है, मेरी किस्मत चमकाएगी? ऐसा कैसे? अरे देवा जी, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप शादी करेंगे तो मुझे भी तो मौका मिलेगा बारात में नाचने का। तेरे को 10 रुपए की सीडी लाता हूं, इधर जितना मर्जी नाच, मेरा बेड़ा गर्क क्यों करवा रही है? हर बार मनहूस बात करती है। आपके इनके पापा जी की बात बताऊं, इनके आगरे वाले फूफा जी फौत हो गए, मर गए।
इसका बाप कहता है मौत तो बड़ी हुई है रिश्तेदारों में, लेकिन इस बार मजा आया, इसी बार आगरा भी देख लिया। ये ऐसे लोग हैं। और ऊपर से बोल रहे हैं मन तो गोवा घूमने का बड़ा, लेकिन क्या करे गोवा वाली भुआ सेहत का ध्यान ही बड़ा रखती है, वो नहीं कुछ रहा। ऐसे तो लोग हो तुम लोग। आपको बड़ी नॉलेज है मेरे पापा के बारे में, है ना? देखो बहू, बात और बदबू छुपाई नहीं जा सकती। कीजिए, देखिए आपके आपका भी छोटा सा परिवार होगा, एक दो छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर आप जब ऑफिस से आएंगे तो बच्चे आपके पास दौड़ते हुए आएंगे और फिर कहेंगे पापा पापा मिली ली क्या लाए हो। ए खबरदार, मेरे होने वाले बच्चों को तोतला कहो तो मैं मारूंगा तेरे। वैसे मुक्का मारूं ना, रुका हुआ पंखा भी घूमता नजर आएगा तेरे को। शांत हो जा सिट्टू। बेटा मैं तो कहती हूँ शादी कर ले, तू करोड़पति हो जाएगा। कैसे? 100 करोड़ की जायदाद मिलेगी तुझे। अरे हट। हेलो, एक शेरवानी सिलना जल्दी। क्या कारीगर सो रहे हैं? तो रुक, तेरे लिए कफन भेज रहा हूँ साले में। अबे जल्दी सिल के भेज। ए तुम लोग कितनी पागल औरत हो, जो लाइन पहले आते ही बोलनी चाहिए थी वो अभी बोल रही हो, इसी चक्कर में एपिसोड लंबे लंबे जा रहे हैं। आते ही बोला करो, ये लो 100 करोड़ वाली बात छुपा कर रखा है। मान के लड़की तो वैसे भी इनके हेयर स्टाइल पे फिदा है, तो वो लोग अभी आते होंगे लड़की वाले, तो चाय पानी का नाश्ता करके आ जाओ। चल चल चल। लगता है आ गए। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। अरे भले भाले लोगों के साथ हम रिश्ता जोड़ने आए, जब तक मैं ना बोलूं गोली मत चलाना। अदरक। नमस्ते। नमस्ते। मैं कहाँ छोटा, ये छोटा लग रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है ठीक है, थाई लागू। अभी पाई तक कौन जाए, देयर इज अ लिटिल बिट स्टमक इन माय पेन। आई आप कुछ लेंगे? चाय ले लेंगे। तो ले लेना, भूल ना जाना। कई बार क्या होता है, हम लोगों ने कोई चीज लेनी होती तो भूल जाते हैं, तो दवाई लेने तो भूल जाते हैं। चाय ले लेना आप याद से। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी कॉमेडी कर लेते हो, किसी टीवी शो पे क्यों नहीं जाते बेटा? ये कौन सा गैराज में आ रहा शो? चुप कर तू। आप भी आइए ना, बैठिए ना, बैठ के बातें कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, बैठने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ठीक है। क्यों गया, पाइल्स का प्रॉब्लम है? रुकिए, मैं आपके लिए चाय वाय ले आती हूँ। बैठ जाते हैं। हाँ, बैठ जाते हैं। Why not? बैठिए, आराम से बैठिए। अच्छा देखिए, मेरे पास टाइम कम है, जरा लड़के को बुला लेंगे। तो ये क्या है, श्रीदेवी बैठी हुई है? मैं ना लड़का ही हूँ। मैं निकालू क्या? क्या निकालू, चीकू लेके आया दामाद के लिए। नहीं नहीं, अच्छा तो आप ही लड़के हैं जी। अच्छा कहाँ तक पढ़े आप? नहीं मतलब आई एम बैचलर इन मैट्रिक। देखो बेटा, बैचलर इन ग्रेजुएशन होता है। देखो मैं जब मैट्रिक कर रहा था तब भी बैचलर था, अब भी बैचलर। तो आपने पढ़ाई की क्या? मैंने की। अच्छा तो फिर अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? कुछ भी कर लेता हूँ, आप मेरे को बोलो मैं इधर कर देता हूँ। नहीं नहीं, पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? अरे मैं काय कर लेंगे पैसे कमाऊंगा, आपके पास है ना पैसा, का छाती पे रख के लेके जाओ। नंबर पैसा का छाती पे रख के लेके, छाती भी इतनी 1200 से ज्यादा आएगा भी नहीं। अरे मैं क्यों करूंगा बाबा काम, आपने सुना नहीं वो सिकंदर गॉन एम्प्टी हैंड ऊपर? सिकंदर? हाँ। सिकंदर कौन? वो था नहीं सिकंदर, अरे बाबा क्या था वो, अलेक्जेंडर। याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे जब गया था इस जहां से, दोनों हाथ मतलब खाली थे। अच्छा 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 अच्छा, वो कव्वाली वाला सिकंदर? हाँ कव्वाली वाला। छोड़ो बेटा ये सिकंदर विकंदर को छोड़ो,
देखो क्या है कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति कुछ करता हो। तो सपने की टेंशन मत लीजिए, सपना तब लेगी ना लड़की को सोने दूंगा तो। क्या क्या कहा आपने? मतलब घर में 100 काम होता, काम काज करेगा तो नींद कहाँ आएगी बाबा आपको। अच्छा जी जी। देखो बेटा क्या है कि हमारा कारोबार बहुत बहुत बड़ा है जी। वैसे आपका भी कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ होना चाहिए ना। बहुत, मेरे बाल बहुत बड़े, मेरी जुबान बहुत बड़ी, हम लोग किसी को कुछ भी बोल देते हैं फंटूश ऐसा। चला दूं? क्या चला दूं, गर्मी लग रही है, हमारा पंखा भी चला रहा है, जैकेट क्यों पहन के आया इसको पैक अंदर ले गया। कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो बेटा क्या है कि जैसा मैं दामाद चाहता हूँ जी तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। लेकिन क्या है कि मेरी बेटी आपसे प्यार करती है तो अभी क्या करें। वैसे आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे अभी बता दो। डिमांड हम लड़की वाले से क्या कहें, बस एक हेलीकॉप्टर और एक। हाँ हेलो, क्या मेरे से डिमांड कर रहा है? ठोक दे साले को, अबे मार दे गोली और एक बार। सॉरी बेटा वो फोन आ गया। अच्छा क्या डिमांड कर रहे थे तुम? कौन कर रहा था? अभी मैंने सुना तुम कुछ हेलीकॉप्टर बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा कहा हेलीकॉप्टर, तो मैंने बोला दादी बीमार है तो हौली हौली डॉक्टर के पास जाएंगे। आप अभी ये फोन पे क्या बोल रहे थे कि ठोक ठोक मार दो? नहीं नहीं, क्या है वो फसल पे कीड़े लग गए थे ना तो मैंने कहा डीडीटी मार दो। अच्छा 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 अच्छा, वो बोल रहे थे। आपने क्या सुना, मैं क्या बोल रहा था? तुम ये कह रहे थे कि हौले हौले डॉक्टर के पास जाना है। अबे मैं क्यों हौले हौले डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं बोल रहा था हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर चाहिए और आगे मतलब क्या कि दूल्हा घोड़ी पे जाता तो शगुन चाहिए, तो हेलीकॉप्टर नीचे घोड़ी बांध रहे हम लोग उड़ के जाएंगे। अच्छा जी जी जी। लेकिन अरे तुम्हारी दादी अभी तक आवाज नहीं आई। आएगी कमला, आ गई, जल्दी से लड़की को बुला लो। बैठे बैठे, मैं अभी लड़की को बुला लेता हूँ। आप लड़की का क्या देखना, बस ये देखना कि नोट ना तू फटा हुआ हो। क्या क्या बोला? नोट ना फटा हुआ। शांत हो जाइए, इसके कहने का मतलब है लड़का लड़की को देखे इसकी क्या जरूरत है, इट्स ओल्ड रिवाज। हाँ मुझे देखिए, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के 4 साल बाद मैंने इसके दद्दा की शक्ल देखी थी। क्या बात कर रही दादी, ताऊ तो पहले साल ही हो गया था। हाँ, वो तो हो रही था। मैं इसके दद्दा को खांसी से पहचानती थी, खांसी से। लेकिन सर्दी के मौसम में गड़बड़ हो जाती थी। क्यों, सर्दी में क्या होता था? सर्दी के मौसम में क्या है, मोहल्ले में 10-20 लोगों को खांसी हो जाती थी ना। इसी बात का डर रहता था कि जो खांस के गया वो इसका दादा ही हो। देखिए आपका तो जो भी है सब ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी बेटी है ना, वो सैंडल भी 4 बार देखकर पसंद करती है। अब जब जूते जैसे मुंह वाला लड़का हो तो एक बार तो देखना बनता ही है। मैं अभी मेरे लड़के को बुला लेता हूँ। जूता कौन सा वाला बोला आपने, जॉगर्स के ये फॉर्मल? जॉगर्स। अच्छा फॉर्मल से आई डोंट लाइक। बुला लो, मैं बेटी को बुला लेता हूँ। बुला लो बुला लो। रोजमेरी, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी रोजमेरी आ जा। आ जा बेटी आ जा। मैं आ गई पापा। आ गई आ गई। अरे लेकिन रोजमेरी तू इतनी लेट कैसे हो गई? वो मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। क्यों? वो बोल रहे थे कल के पेपर दिखाओ। मैंने तो बोला मैं तो पैदल डाले हूँ, कल के पेपर काट दिखाऊंगी, पैदल डाले हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, वो लड़का देखो, हाँ देखो देखो। पापा मैंने तो पहले ही कहा था मुझे लड़का पसंद है। पसंद है? पसंद, एकदम पसंद है। लड़का पसंद है? हाँ तो ठीक है, इनको होएगा, मेरे को भी तो लड़की दिखाओ ना। यही है लड़की? इस बार आप मजाक कर रहे हैं। नहीं
मजाक नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ, ये है मेरी बेटी, ये मैं हूँ लड़की, इनकी लड़की मैं हूँ। आपकी लड़की क्या आपकी फैक्ट्री है क्या ये? देखो पैसा वैसा क्या भाड़ में, इससे शादी नहीं कर सकता मैं। एक कल को इसके नीचे आ गया, लोग कहेंगे ट्रक के नीचे आके चीकू पिसका गया, मैं क्या ये कौन है? नो, आपका चश्मा ले लिया काफी, आई डोंट वांट योर गर्ल। देखिए भाई साहब, अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, वैसे मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है, तो यहाँ आने से पहले 3 लड़के मार चुकी है। नहीं ऐसे क्या है कि पहले लड़के के साथ डेट पर गई थी, नारियल पी रही थी, एक ही स्ट्रॉ से दोनों नारियल पी रहे थे, सब ठीक चल रहा था। पता नहीं किस बात पे इसको गुस्सा आ गया, इसने जोर से सक किया, लड़का स्ट्रॉ के मार्फत इसके पेट में डायरेक्ट। अब दूसरे लड़के की तो कोई गलती नहीं थी भाई साहब, वो तो बेचारा फेरे ले रहा था, लेकिन इसको छींक आ गई, लड़का हवन कुंड में। अरे तीसरे का क्या हुआ तो पता ही नहीं चला दादी। हा? पता ही नहीं चला, हम तो लड़का देखने गए थे। हा? इसने कहा कि मुझे लड़के से कुछ अकेले में बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो, हम बाहर होकर आते हैं। जब मैं वापस पहुंचा तो मेरी लड़की अकेली और डकार खा रही थी, मुझे पता चल गया लड़का खा गई। ये हमारा चौथा घर। पापा मुझे इतने भी अकेले से बात करनी है, मेरी बात सुन लो तुम लोग। क्या मेरे को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, समझ में आया ना? नहीं, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। अच्छा भागेगा भागेगा, आप मर्डर का केस चल रहा है मेरे ऊपर। हले पापा ये तो गुंडा है। वाह भाई वाह, अरे खामखा मैं अपनी बेटी के प्यार में पड़ा था, मुझे तो गुंडा ही चाहिए था अपना दामाद। क्या बात है, आ जाओ आप हमारी बिरादरी के हो, अब तो शादी होकर रहेगी बेटा। मेरे को ना उल्लास नगर का चंपूर समझा गया, 24 घंटे हथियार लेके घूमता हूँ मैं। अबे हथियार तो हम भी लेकर घूमते हैं, ये देख दिखा दिखा। अबे दामाद के लिए आम ले आया, दे ये ले ये क्या कर रहा है? अरे ये आम है आम। ए दादी मैं तो आम खाता हूँ, मेरे घमौरी आ जा, तू ले ला। बिट्टू अब इस उम्र में मैं कहाँ आम चूसूंगी, तू ही रख ले। क्या कर रहा? तेरा दिमाग खराब है बुड्ढन। ए देखिए मैं आप 2 मिनट रुकिए, इतने पिस्तौल क्यों रखे, बेचते हो क्या? अंदर रखे दामाद को डराते हैं। नहीं नहीं आप दामाद जी बोलिए ये पकड़ी जरा, आप ध्यान से गिरना जाए। नहीं नहीं मैंने आपको बताया मैं गुंडा हूँ। हाँ मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। बोलो बोलो। मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, भाग के दिखाता हूँ।